हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं नई वीडियो आपको दिखाऊंगा। नई तो नहीं कह सकता हूँ, क्या आपने पहले बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन कल मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको दिखाऊं। एक्चुअली मेरी शॉप है तो जहाँ पे पता नहीं किसी भक्त ने, क्योंकि मंदिर के पास मेरी शॉप है इसलिए मैं भक्त कह रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया कि नकली नोट जो है भीड़ में जब काफ़ी रश पड़ता है ना उस टाइम एकदम से आके उन्होंने जो है मेरे को 500 रुपये का नोट जो है वो दे दिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको वो 500 रुपये का नोट। ये देखिए मेरे पास दो नोट हैं, एक नकली नोट है और एक असली। देखने में बिल्कुल असली की तरह लग रहा है ये वाला नोट जो कि नकली है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पास से, और ये असली वाला नोट है। छूने पर भी ये बिल्कुल हल्का सा महसूस में आ रहा है, नहीं तो आप यकीन नहीं कर पाओगे, अगर महसूस भी नहीं कर पाओगे कि ये नकली नोट है। और ख़ासकर जब रश पड़ा हो बिल्कुल, तब तो आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाओगे कि सबको जल्दी रहती है, और जो इस प्रकार का काम करते हैं वो तो एकदम से भैया जल्दी करो जल्दी करो। तो अब देखिए आप, तो पास से मैं आपको दिखाता हूँ क्या फ़र्क है इन दोनों नोटों में। ये देखिए, ये इसका फ्रंट साइड है इन दोनों नोटों का, ये असली वाला है और ये नकली वाला है। और पलटता हूँ इसको, ये देखिए, तो ऊपर से इस नोट की आप कटिंग देख सकते हैं, और ये देखिए ये असली वाला नोट है, ये नकली वाला। लिखा बिल्कुल सेम, कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं है, बस थोड़ा कटिंग का और हल्का सा ये नोट थोड़ा सा छूने पे हल्का सा मोटा है इससे। और तो ये देखिए, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जब ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं, चलो धोखे से किसी ने उनको भी दे दिया होगा ये 500 रुपये का नोट, लेकिन जब ये नोट किसी गरीब बंदे के पास जाएगा जिसको 500 रुपये की असल वैल्यू पता होगी, और वो बेचारा दिन में भी 500 रुपये बड़ी मुश्किल से कमा पाएगा, कमाता होगा, तो गरीब बंदा इतना खुददार होता है कि वो उसको चला भी नहीं पाएगा और चलाएगा भी नहीं, और ये उसके पास रह जाएगा तो मजबूरन उसको ये फाड़ना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा। लेकिन उस मजबूरी के कारण अगर उसका कुछ इतना बड़ा कोई ना कोई नुकसान हो गया, कुछ ना कुछ भी हो सकता है उस नुकसान में, कुछ भी हो सकता है, अगर वो हो गया तो भैया जिसने ये काम किया है और जिन जिन लोगों ने बाद में ये नोट एक दूसरे के चेपा है, तो सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ नहीं, क्योंकि भगवान के घर घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर तो बिल्कुल ही नहीं होती है भैया। तो सिर्फ 500 रुपये के लिए आप, अगर आपके पास नकली नोट आ गया तो आप ऐसा करोगे क्या, किसी को भी चेप दोगे? और मंदिर में भी नहीं छोड़ते हैं लोग, तो कहीं भी जहाँ भी ठेले वाले को नहीं छोड़ते हैं, मंदिर वाले, मंदिर में तो चलो कोई बात नहीं, ठेले वाले को नहीं छोड़ते हैं, भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं, गले में नकली नोट डाल देते हैं। तो भैया इस चीज़ से थोड़ा बचें, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है, बार बार नहीं मिलती, लेकिन इसका खामियाजा आपको पता नहीं कितनी जिंदगानियों में तक भरना पड़ेगा, आपको नहीं आपके परिवार वालों को भी भरना पड़ेगा जिन्होंने यह काम किया है और जो ये काम करते हैं। तो बस मैं इस वीडियो बनाने का मेरा यही लक्ष्य था, और कि किसी न किसी बंदे के पास ये पहुँचे, क्योंकि इस नोट को चला के तो भैया कोई फ़ायदा है नहीं, उल्टा नुकसान है। तो ऐसे नोट को आप कृपया करके फाड़ दें। ताकि गलती से भी गलती ना हो पाए और आप भी पाप के भागी ना बने और ना कि किसी दूसरे को बनाए, कि जब तक ये चलता रहेगा तब तक पाप आपके खाते में आता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।